डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि अभी आपको पता होगा, हम लोग साइंस के सब्जेक्ट में एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए हम लोग ने अभी केमिस्ट्री पढ़ना शुरू ही किया है और उसका हम लोगों का अंत भी होने वाला है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो एक केमिस्ट्री का भाग है। अब हम लोग इस केमिस्ट्री के इस पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत तरह की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ा जाना। तो चलिए आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हालांकि पिछले दिन के बाद याद दिला देते हैं आपको, पिछले दिन में हम लोगों ने पढ़ा संक्षारण के बारे में, और संक्षारण में हम लोगों ने यह जाना कि कोई भी अगर धातु नमी के संपर्क में अगर आता है तो उसमें उसकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे घटने लगती है, सिवाय हम उसको बोलते हैं संक्षारण। जैसे कि लोहे में जंग लगना या चिट्ठी पकड़ना जिसको बोलते हैं, उससे क्या होता है, लोहा एक धातु है, वो जैसे ही नमी के संपर्क में आता है तो उसकी शक्ति धीरे धीरे घटने लगती है। इट मीन्स हम बोलते हैं इसको संक्षारण। ठीक है, अब संक्षारण में हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल लिखे थे लोहे में जंग लगना, और लोहे में जंग लगता है तो किस रंग का लगता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ा कि लाल भूरा कलर में लोहे में जंग लगता है। ठीक है, और दूसरी बात हम लोग ये भी सीखे कि अगर मान लिया लोहे में जंग लगने से बचाना होगा तो हम लोग क्या क्या उपाय करेंगे, तो पेंट करके उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था। चलिए आगे हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। तो एक लास्ट टॉपिक है दोस्तों ये इस चैप्टर का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, ये सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे अंतिम अंतिम में हम लोगों का पढ़ाई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, अभी चैप्टर दो दिन चलेगा, एकदम फिक्स दो दिन चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोगों को करना बहुत जरूरी है, इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी तो हैं, तो उन लोगों को भी हम लोगों को छोड़ना नहीं है, उसके आंसर क्वेश्चंस को भी करते चलना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग आज एक लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ये विकृत गंधिता क्या है इसके बारे में हम लोगों ने, तो विकृत गंधिता क्या है इसके बारे में समझने के लिए पहले हम लोग फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए वसा युक्त और वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, उपचयित, उपचयन से ही बना है उपचयित, ठीक है, उपचयित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके स्वाद एवं उनके रूप रंग में परिवर्तन आ जाता है कॉमा
इस परिवर्तन को विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो अब विकृत गंधिता को हम लोग समझते हैं। दोस्तों, कोई भी वसा युक्त और तैलीय पदार्थ जो हम लोग खाने के रूप में व्यवहार करते हैं, वो वायु के संपर्क में आता है, वो स्वादहीन होने लगता है, उसमें रंग में परिवर्तन आने लगता है, उनका रूप बदल जाता है, स्वाद में परिवर्तन आने लगता है, उसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि विकृत गंधिता का सीधा मतलब होता है तेल से बना हुआ बासी भोजन, वही कहलाता है आपको विकृत गंधिता। हालांकि चावल को आप छोड़ देंगे, वो चावल अगर बासी हो जाए, एक पहर का दो पहर आप खाते हो, उसको विकृत गंधिता नहीं कहेंगे। विकृत गंधिता वह कहलाता है खाद्य सामग्री जो तैलीय होता है, तेल से बना हुआ होता है, तेल का अंश होता है उसमें, ठीक है। तो तेल से बने हुए खाद्य सामग्री को अगर वायु में छोड़ दिया जाता है, हवा के संपर्क में आता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, खराब होने लगता है, उनका स्वाद परिवर्तन होने लगता है, रूप रंग परिवर्तन होने लगता है, तब इसे ही हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। अक्सर जो तेल में छना हुआ वसा युक्त खाद्य सामग्री है, आप रख देते हैं और एक दो दिन के बाद उसको खाते हैं, तो उसमें स्वाद में परिवर्तन थोड़ा सा और खट्टा खट्टा टाइप का लगता है। वजह क्या है, क्योंकि वो विकृत गंधिता हो गया है, वो वायु से, वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, अभिक्रिया कर लिया और उसका स्वाद बदल गया। कभी कभी कुछ कुछ यौगिक का तो कुछ कुछ खाद्य सामग्री का कलर में भी चेंज आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सीधा मतलब तेल से बना हुआ खाने वाले पदार्थ को अगर हवा में छोड़ दिया जाए, उसके साथ अभिक्रिया करके अपना स्वाद बदल लेते हैं, अपना रंग रूप बदल लेते हैं, परिवर्तन आ जाता है उनमें, उसको विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, यही कारण है कि हम लोग, जैसे मान लिया कि तेल में बना हुआ कोई भी चीज रहता है, उसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं और फिर हम लोग ये समझते हैं कि फ्रिज में वो भोजन सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का अंश नहीं जा पाता है, वहां पे क्लोरीन की मात्रा होती है, फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो उसको ऑक्सीजन रहित होता है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है, सिवाय वो अभिक्रिया नहीं कर पाता, हम लोगों का ठीक वैसे ही भोजन सुरक्षित रह पाता है। कहां पे? फ्रिज में, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब कि वसा युक्त को बचाने के लिए हम लोग, वसा युक्त या फिर तैलीय पदार्थ से बना हुआ भोजन को बचाने के लिए एक और काम कर सकते हैं, उसको ऑक्सीजन से दूर रख सकते हैं। अब रहा बात की ऑक्सीजन से कैसे उसको दूर रखेंगे, भाई हर तरफ तो ऑक्सीजन है। तो दोस्तों, यही तो कारण है कि आप जितने भी फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड यानी कि पैकेट चिप्स, जो भी बंद पैकेट्स में आती है ना, जिसको फास्ट फूड बोलते हैं, चिप्स हो गया, तो उसके थैली में क्या रहता है, कोई भी मिक्सचर बना हुआ रहता है, उसके थैली में हवा भरा रहता है। और फिर आप बोलते क्या है, हवा तो भर दिया भाई, वो हवा नहीं है, दैट इज नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि वो तेल से बना हुआ है, तेल का अंश है, अगर वो वायु से, वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, वो बहुत खराब हो जाएगा और खराब हो जाएगा उसकी कंपनी बदनाम हो जाएगी, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है और फिर पैकिंग कर दिया जाता है और वो भोजन मेरे लिए सुरक्षित रह पाता है, ठीक है। तो आज से एक नया बात समझ में आया। कौन सी नया बात? कि जो हम लोग मार्केट से चिप्स विक के पैकेट को खरीदते हैं, उसमें हवा भरा हुआ रहता है, वो हवा का नाम
नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन क्यों भरा रहता है दोस्त, कोई पूछ दिया तो हम बोलेंगे विकृत गंधिता से बचाने के लिए। कोई पूछ दिया विकृत गंधिता क्या है, हम बोलेंगे तेल से बना हुआ या तेल के अंश से बने हुए कुछ खाने वाले सामग्री, खाद्य सामग्री, जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपना स्वाद बदल लेते हैं, रंग रूप बदल लेते हैं। तो इसी के कारण उसको सुरक्षित रूप से रखने के लिए, या बोले तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो दैट इज अ वीवीआई पॉइंट्स, आपको याद रखिएगा, चिप्स की थैली में, कुरकुरे के पॉकेट में, मिक्सचर के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। तो नोट में करके लिखेंगे, उसके नीचे नोट में लिखा जाए विकृत गंधिता से बचाने के लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। विकृत गंधिता से बचाने के लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोगों का ये पूरी की पूरी चैप्टर में जो भी थ्योरेटिकल थी वो सभी क्या हो गए, सभी हम लोग पढ़ लिए, सभी खत्म हो गया। लेकिन बात करें कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको हम लोगों को करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। तो इस तरीके से इस मायने में हम लोग बुक के जितने भी टॉपिक्स थे, जिसके बारे में पढ़ना था, वो सभी हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर बात किया जाए तो पूरा ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बीच में एनसीईआरटी के बीच में कुछ प्रश्न होते हैं। तो बीच में का कुछ प्रश्न है और फिर अंत में एक अभ्यास का भी प्रश्न होता है जो बुक के सबसे पीछे में होता है। तो अभी हम लोग सबसे पीछे अभ्यास का क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, एनसीईआरटी के बीच के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को करने वाले हैं। दैट इज ए प्रश्न के तौर पे वो क्वेश्चन मौजूद होते हैं बुक्स में। तो चलिए प्रश्न के तौर पे पहले क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम लोग नोट डाउन करेंगे ताकि वैसे स्टूडेंट जिसके पास बुक ना हो उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम न झेलना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर वन लिखा जाए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जरा इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। सवाल क्या बोला भाई कि एक लोहे का किल है, किल मतलब कांटी, जैसे उस किल को, कांटी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो आप देखेंगे कि उस विलयन का रंग बदल गया। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि आखिर वो क्यों बदल गया, समझ में आ रहा है, उसका रंग बदल जाता है, रियलिटी में बदलता है। ठीक है, अब क्यों बदलता है ये सवाल बोल रहा है। तो सबसे बोलो, पहले बोला कि आयरन को तो आप लिखेंगे क्या उत्तर में, पहले लिखेंगे नहीं समझेंगे, सबसे क्या पहले क्या बोला, लोहा के कील को, तो लोहा के कील को किसके साथ अभिक्रिया कराया गया, कॉपर सल्फेट। ठीक है,
जब कॉपर सल्फेट के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या वो? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इसको या करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोहा को, यानी कि लोहा मतलब Fe, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। दोस्तों कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4। फेरस सल्फेट बनता है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 प्लस कॉपर का Cu। दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं। तो आयरन एक ठो, आयरन एक ठो, कॉपर एक ठो, कॉपर एक ठो, सल्फर एक ठो, सल्फर एक ठो, ऑक्सीजन चार ठो, ऑक्सीजन चार ठो। हम लोगों का ये रिएक्शन पूरा संतुलित है। अब सवाल बोल रहा है कि ये लोहा है, ये तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना होगा CuSO4 के साथ जब अभिक्रिया करता है या डुबाया जाता है तो इसका रंग बदल जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला कलर का होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों फेरस सल्फेट जो हम लोगों को बनता है उसका रंग हो जाता है हरा, याद रखिएगा। यानी कि आज से याद रखिएगा कि जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है उसका रंग नीला से हरा में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि यहां पे विस्थापन अभिक्रिया होता है। देख पा रहे होंगे Fe अकेला था, CuSO4 दोनों के बीच में दोस्ती थी, ये अकेला गया, ये दोनों की दोस्ती तोड़ दी और उसके साथ दोस्ती कर लिया। बताए थे ना ऐसे को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो पहला रीजन क्या कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया होता है, और दूसरी बात कि लोहा जो है कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, लोहा जो है कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, तभी ना दोस्त कॉपर को हटा के और उसके स्थान पे चला गया। आखिर कोई को ऐसा कौन कर सकता है? जैसे मान लिया दो तीन दोस्त हैं, सभी जाते हैं स्कूल में पढ़ने, लेकिन एक जो दोस्त है दूसरे दोस्त का, जो सबसे पहले आकर पहले बेंच पे अपना बैग रख देता है बैठने के लिए, लेकिन जो उसका और भी दोस्त है वो क्या करता है, उसको हटा देता है, उसके जगह पे बैठ जाता है। ये आखिर वो कब कर पाएगा? जब अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि रियलिटी तो अगर ईमानदारी पूर्वक उसने पहले आया पहले बैठना चाहिए, लेकिन बाद वाला पीछे जाता है और उसको हटा के वहां बैठ जाता है। दैट इज हाई पावरफुल। उसी तरीके से यहां पे आप ये लिखेंगे कि जब लोहे से बने कील को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग नीला से हरा हो जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया होती है और इसमें लोहे का शक्ति कॉपर से ज्यादा है, ठीक है। तो आप पहले इन चीजों को लिख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा अतः के आगे हम यहां बोल रहे हैं। अतः पहले क्या करना है, जो सवाल बोले उसको लिख लेना है, लोहा कॉपर सल्फेट, फिर ये बनेगा। आपको देखिए कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है कि आप इसको इसको में रिएक्शन करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो अतः लिखेंगे, अतः के नीचे लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग नीला से हरा हो जाता है, क्योंकि क्योंकि
यह अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यह अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें जिसमें लोहा कॉमा कॉपर से जिसमें लोहा कॉमा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। तो समझ में आया ना सवाल क्या बोल रहा था, कि जब लोहा के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं इसका रंग बदल जाता है, सिर्फ ये बोला है, लेकिन हम लोगों ने ये भी दर्शा दिया कि वो नीला से हरा हो जाता है, यानी कि बदलता ही है। क्यों बदलता है? क्योंकि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरी बात कि इसमें लोहे का जो क्षमता है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा है, तब है ना ये दोनों की दोस्ती को तोड़ दिया और उसके साथ दोस्ती कर ली, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर वन। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू लिखा जाए, क्रियाकलाप 1.10 से, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। फिर से मिला लीजिएगा क्वेश्चन, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्त। इसमें क्या बोल रहा है ना कि बुक में तो एक ही दो एग्जाम्पल है ना, बुक का अगर बात कीजिएगा तो उसमें एक ही दो एग्जाम्पल है किसका, द्विविस्थापन का। तो हमें सवाल क्या बोल रहा था कि आप द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए, ठीक है। उसको उदाहरण नहीं लिखना है जो क्रियाकलाप 1.10 में लिखा हुआ है, उसको छोड़ के, इसीलिए लिखा उससे भिन्न, किससे भिन्न, तो क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न, उससे अलग जो है आपको अभिक्रिया लिखना है, ठीक है, उससे अलग लिखना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखिएगा उदाहरण में, पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं, कम से कम दो या तीन उदाहरण दे दीजिएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ा चुके हैं। तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम चार पांच एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आप उसमें से कोई भी तीन एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई भी तीन एग्जाम्पल लिख देना है, वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न वाले में दो क्वेश्चन किए हुए हैं, तीसरा क्वेश्चन लिखा जाए, लिखेंगे तीसरा नंबर, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों का पहचान करें। निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों का पहचान करें। चलिए हमें क्या बोल रहे हैं कि आपको पहचान करना है कि कौन उपचयित पदार्थ है और कौन अपचयित पदार्थ है। तो उपचयित कहां से निकला, उपचयन अभिक्रिया से, और हम लोगों ने उपचयन अभिक्रिया को पढ़ा है या फिर अपचयन अभिक्रिया को पढ़ा है दोस्तों, कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया भी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा, अपचयन अभिक्रिया भी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा। अब उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं और अपचयन को अवकरण भी बोलते हैं, और एक होता है दोस्त रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोगों का तीसरा जो क्वेश्चन बोल रहा था
कि नीचे कुछ अभिक्रिया दिया गया है, यानी कि निम्न अभिक्रिया में आपको पहचान करना है कि कौन उपचयित है और कौन अपचयित है। तो पहला कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल है, 2Na+ O2 gives Na2O, सॉरी Na2O, हाँ जी। तो यहां हो गया 2, तो यहां हो जाएगा 4Na। चलिए, तो पहला हम लोगों का ये क्वेश्चन है और इसमें इसमें इस अभिक्रिया में आपको पहचान करना है कि कौन उपचयित हो रहा है और कौन अपचयित पदार्थ है। हम जरा फिर से आपको हम याद दिला देना चाहते हैं कि उपचयित यानी कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन या फिर हम याद दिलाना चाहते हैं अपचयन। और दोस्तों यही उपचयन से बना है उपचयित और अपचयन से बना है अपचयित। सबसे पहले हम आपको पिछले दिन बताए थे कि उपचयन का ही दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और अपचयन का दूसरा नाम होता है अवकरण। और ऑक्सीकरण कब बोलेंगे दोस्तों, जब ऑक्सीजन का योग होता हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, कमी हो, उसको दोस्तों उपचयन अभिक्रिया बोलिए, उपचयित बोलिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलिए, बात बराबर है। जरा बात करते हैं अपचयन, जिसको हम लोग अवकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का ह्रास, इसको में हम लोग बोलते हैं दोस्तों अपचयन। ठीक है, आप यहां पे देखिए कि यहां से उपचयित पदार्थ का पहचान करना है पहला में। तो पहला में उपचयित पदार्थ कौन हुआ, उपचयित पदार्थ कौन हुआ उसका नाम बताना है, और अपचयित पदार्थ इसका आंसर कौन होगा ये हमें बताना है। दोस्तों उपचयित किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो जाए। दोस्तों ऑक्सीजन क्या था, अकेला था, ऑक्सीजन अकेला था, बाद में अभिक्रिया के उधर देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हम बोलेंगे कि इस अभिक्रिया में O2 जो है उपचयित पदार्थ है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन अकेले था, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, उपचयित। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि किसका अब बात किया जाए, तो अपचयित कौन हुआ, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, जिसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाए। तो दोस्तों जब एक अभिकारक में दुवे वो चीज है, एक पता चल गया कि O2 का योग हो जा रहा है, तो सिंपल अपचयित में कौन हुआ, तो सोडियम जो हो गया अपचयित पदार्थ हो गया। यानी कि जब हम लोग किसी एक का पहचान हो जाता है, आपको दुवे वो चीज है या तो सोडियम नहीं तो ऑक्सीजन, जब हमको उपचयित का पहचान हो गया कि O2 जो है योग हो जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे उपचयित पदार्थ O2। और सोडियम क्या हो रहा है, तो सोडियम में ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फिर आप तो बोलेंगे कि सर सोडियम में भी तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसीलिए तो ऑक्सीजन को हम उपचयित बोल दिए। लेकिन ऑक्सीजन जब उपचयित हो गया तो सोडियम क्या होगा, तो सोडियम अपचयित होगा, सिंपल। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, अभिक्रिया, अभिक्रिया दिया हुआ है, तो दूसरा में अभिक्रिया दिया हुआ है CuOH2
H2 gives Cu plus H2। देख पा रहे होंगे यहां पे आप कि उपचयित और अपचयित, यहां पे उपचयित अभिक्रिया किसमें हो रहा है और अपचयित अभिक्रिया किसमें हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोले, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसको हम लोग उपचयित बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो उसको अपचयन बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे CuO है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। अब ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट जा रहा है, जुड़ किसके साथ रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो इस केस में जो उपचयित पदार्थ हो गया वो क्या हुआ, हाइड्रोजन। उपचयित पदार्थ कौन सा हुआ, हाइड्रोजन। क्यों भाई, H2। क्यों H2, क्योंकि ऑक्सीजन का योग किसके साथ हो रहा है, H2 के साथ, इसलिए हम बोलेंगे उपचयित पदार्थ क्या हुआ, H2। और अपचयित का पदार्थ का आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों पूछ रहा है, तो अपचयित पदार्थ इज इक्वल टू, अपचयित का मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का ह्रास किसमें हो रहा है, पहले ऑक्सीजन की यारी कॉपर से थी लेकिन कॉपर ऑक्सीजन को लूज कर दिया, हटा दिया, तो अपचयित पदार्थ कौन हुआ, कॉपर, Cu। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पूरे प्रश्न को किया, हालांकि इस प्रश्न में 3 ही क्वेश्चन था, अब एक ही टाइप्स बच गया है इसमें, एनसीईआरटी के पीछे वाला क्वेश्चन जो अभ्यास के तौर पे क्वेश्चन रहता है वही सिर्फ बच गया है हम लोगों का, ठीक है। तो अभ्यास के क्वेश्चन को हम लोग अगले दिन से शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में अभ्यास के क्वेश्चन को करेंगे, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।